बीजेपी के हुए किरोड़ी सिंह बैसला जी, हाँ आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बेटे के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बैसला ने ज्वाइन की भाजपा पार्टी, भाजपा मुख्यालय में प्रकाश जावड़ेकर भी साथी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2019 के दंगल में एक और बड़ी हलचल, जहां बीजेपी के हुए किरोड़ी सिंह बैसला, प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी अनिल जी, बताएं आखिरकार किरोड़ी सिंह बैसला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो कि अब तक की दिलचस्प घटना है जी, किरोड़ी सिंह बैसला अपने पुत्र या पुत्री को चुनाव लड़ाना चाहते थे लोकसभा का, टोंक सवाईमाधोपुर से चुनाव लड़ाना चाहते थे, बीजेपी से लड़ाना चाहते थे, कांग्रेस में उनकी बात हुई, अजमेर से चुनाव लड़ाने की बात की गई कांग्रेस में, लंबे समय तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उनकी बात चलती रही। कांग्रेस में एक मौका ऐसा आया जब दो बार वो अशोक गहलोत से मिले मुख्यमंत्री से, तीसरी बार मिलने जयपुर से दिल्ली गए तो वहां मुलाकात नहीं हो पाई, चौथी बार जब उनको कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया बैरोड पर आने के बाद सचिन पायलट का उनके पास फोन आया कि टिकट की बात भूल जाइए, साधारण कार्यकर्ता की तरह पार्टी में काम करना हो तो दिल्ली चले आइए। बैरोड से ही किरोड़ी सिंह बैसला जयपुर लौट गए और अपने मन में एक टीस लेकर कि जिस पार्टी का उन्होंने समर्थन कर दिया था आरक्षण के संबंध में, जो सरकार ने जो बिल पास किया उसको लेकर, उस कांग्रेस पार्टी में इतनी लंबी बात चलने के बाद में उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। किरोड़ी सिंह बैसला पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं टोंक सवाईमाधोपुर से, दोबारा वहीं से लड़ना चाहते थे कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन वहां नमोनारायण मीणा पहले से मौजूद थे जो कांग्रेस के टिकट पर किरोड़ी सिंह बैसला को हराकर ही जीते थे जी। हार की हार जीत 300-400 वोटों की हुई थी, बड़ी हार जीत नहीं थी, वो भी एक मशीन खराब हुई, उस मशीन से निकले वोटों ने हार जीत का फैसला किया था, लेकिन किरोड़ी सिंह बैसला कांग्रेस का टिकट वहीं से चाहते थे, नमोनारायण मीणा के रहते उनको नहीं मिल सकता था। अब कहीं से भी टिकट न भाजपा से न कांग्रेस से, इसके बावजूद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, क्योंकि पहले भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस में सचिन पायलट के रहते, एक गुर्जर नेता के रहते दूसरे गुर्जर नेता के लिए कोई स्थान नहीं था, सचिन पायलट के रहते हमेशा किरोड़ी सिंह बैसला की गिनती दूसरे दर्जे के गुर्जर नेता के रूप में ही होती, इसलिए डिप्टी सीएम और पीसी चीफ होते हुए सचिन पायलट के वो कांग्रेस में वो स्थान नहीं पा सकते थे, वो महत्व नहीं पा सकते जिसको वो प्राप्त करना चाहते थे जी। इसलिए अब वो बीजेपी में चले गए, लेकिन टिकट भर चुके हैं, हाथ उनके इस वक्त कुछ नहीं आएगा, परंतु दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त दोनों किरोड़ी बीजेपी में हैं जी। इस चुनाव में मीणाओं के किरोड़ी और गुजरों के किरोड़ी दोनों बीजेपी में है, दोनों क्या एक दूसरे के साथ कदम ताल कर पाएंगे, अगर साथ साथ चले दोनों तो टोंक सवाईमाधोपुर की सीट पर और दौसा की सीट पर, करौली सवाईमाधोपुर की सीट पर काफी बड़ा प्रभाव डाल पाएंगे अगर दोनों किरोड़ी एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर चल पड़े। लेकिन चूंकि मीणाओं की किरोड़ी को अभी दौसा सीट पर पार्टी का फैसले का इंतजार है, जो पार्टी फैसला करना चाहिए वो उन्हें मंजूर नहीं था, अभी पेच लड़ा हुआ है इसलिए इस चुनाव में दोनों किरोड़ी का साथ होना, एक पार्टी में होना एक महत्वपूर्ण बात होगी, और अगर गुर्जर मीणा एक साथ एक जाजम पर बैठ पाए इन दोनों किरोड़ी के प्रयास से तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें पेश आ सकती हैं जी। अनिल जी ये बताएं कि अब टिकट तो नहीं मिल पाया है, लेकिन कल से लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होना अब शुरू भी हो गया है, तो अब भाजपा को इससे किस तरीके का फायदा मिल सकता है? अभी मतदान पहले चरण का राजस्थान में नहीं है जी, राजस्थान में 29 अप्रैल को है और 6 मई को है, राजस्थान में जब मतदान होगा उसमें काफी समय है और इनके भाजपा में शामिल होने के कई नियतार्थ निकल सकते हैं, फायदा हो सकता है भाजपा को, खासतौर पर टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर बहुत फायदा होगा जी, और कोटा में भी फायदा हो सकता है, गुर्जर और प्रसाद गुंजर दोनों गुर्जर नेता एक साथ हो गए। अब ये देखने वाली बात है कि नमोनारायण मीणा के सामने किरोड़ी मीणा कितने प्रभावकारी हो सकते हैं बीजेपी के लिए टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर, और रामनारायण मीणा के सामने किरोड़ीलाल मीणा कितने प्रभावशाली हो सकते हैं कोटा की सीट पर, लेकिन इन दोनों सीटों पर गुर्जरों को लामबंद करने के लिए प्रहलाद गुंजल और किरोड़ी सिंह बैसला का साथ होना, और जहां पर जौनपुरिया जैसा गुर्जर नेता
चुनाव लड़ रहा है टोंक सांगापुर में, तो ये एक समीकरण भाजपा के लिए काफी अनुकूल बन रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस मौके पर कि किरोड सिंह बैसला पार्टी में यूं ही नहीं गए होंगे, निश्चित तौर पर पार्टी ने उन्हें कुछ भविष्य के लिए वचन दिया होगा। अगर केंद्र में सरकार आती है तो कुछ भी उन्हें उनके लिए किया जा सकता है, और केंद्र में सरकार आने पर उनकी बेटी जो जयपुर में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है वो सीबीडीटी की मेंबर भी बनाई जा सकती है, सीनियर है काफी, और राज्यसभा की एक सीट पर बीजेपी जीत सकती है 2020 के चुनाव में, तो एक सीट भी उनके लिए सुरक्षित की जा सकती है। ये वादा भी बीजेपी ने हो सकता है उनसे किया हो, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ बीजेपी उन्हें इस समर्पण के बदले अवश्य देगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी जो फोनलाइन पर जुड़े थे हमारे साथ। एक बार आपको फिर से बता दें, किरोड़ी सिंह बैसला बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।